कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क में कोरोना के केसेस और अमवात बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों से उनका रोजगार नहीं छीना जा सकता। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर की मीडिया ब्रीफिंग, कहा हमें जिंदगी का पहिया चलाने के साथ वबा से हिफाजत भी करनी है। पूरा मुल्क बंद करने के बजाय मुतासर इलाकों को बंद किया जाएगा। स्मार्ट लॉकडाउन के निजाम ने काम करना शुरू कर दिया है। हमें निशानदेही करनी है कि इस इलाके में केसेस ज्यादा और वायरस फैल रहा है। पंजाब में 359 मकामात जबकि केपीके के 177 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। अच्छी बात यह हुई कि एक कौमी फैसला हुआ और उम्मीद यही है कि उसकी अब जब इम्प्लीमेंटेशन होगी तो इम्प्लीमेंटेशन भी जो है वह सब लोग उसी स्पिरिट में करेंगे कि एक नेशनल फैसला है और उसे लंबे अरसे के लिए लोगों से उनका रोज़गार नहीं छीना जा सकता। हमने जो एक्शन लेना है, बजाय कि तमाम मुल्क को हम बंद करें, हम उन मखसूस इलाकों के ऊपर कॉन्सनट्रेट करके उनके ऊपर एक्शन लें। और वो कौन सी जगह है जहाँ पर हमें ज़्यादा इस जो वबा फैल रही है और ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, वहाँ पर महदूद तरीके से बंद किया जा सके। पंजाब के अंदर 359 ऐसे स्मार्ट लॉकडाउन के इन्फोर्समेंट के उन्होंने केसेस किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 177 ऐसे केसेस हैं जहां पर ये स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। तो वो स्मार्ट लॉकडाउन जिसकी हम बात करते थे, वो निज़ाम अब ज़मीन पर उसने काम करना शुरू कर दिया है। आज 70 लैब्स हैं पाकिस्तान के अंदर जिसके अंदर ये टेस्ट की कैपेसिटी मौजूद है। किट्स होती हैं, डायग्नोस्टिक किट्स जो हैं इन टेस्ट को करने के लिए, वो ज़ाहिर है उनके अंदर बेतहाशा इजाफा किया गया है, बाहर से मंगवाई गई हैं, और जो लैब्स हैं, जो PCR मशीन्स हैं, सब के अंदर इजाफा किया गया है।